थे मेरे पिताजी जिसने भगवती माँ वाला की स्थापना की थी। सन 1979 में हमने एक लारी से यहाँ की मिशन बाबे की बनाने की शुरुआत की। धीरे धीरे करते हुए हम एक छोटे से कैबिन तक पहुँचे जहाँ हमने अपना स्थापना किया 1981 में। सन 1981 में हमने पहली बार दुकान की स्थापना की और तब से हम यहीं पे हैं। जो मीठे मावे की कारकर्दगी हमारी 40 साल पुरानी है। यहाँ पर आदमी है वो वहाँ पे जो हर बार इंडिया आता है तो जितना मेरे मावे की रेट है ना उतना उससे ज्यादा उसको चार्ज लग जाता है कुरियर का। फिर भी वो ले जाता है। इतना टेस्टी आपका मावा। और इतना शौकीन आदमी है ना कि वो पैसे की चिंता नहीं करता है। बोलता है कि आपका टेस्ट सही है इसलिए मेरे को चाहिए। वाह, अब इनका मावा आज तो ट्राई करना ही पड़ेगा कि कैसा है। बहुत बढ़िया आता है और आप देख सकते हैं ये है एकदम नेचुरल कलर। दूसरी दुकान पे वो कलर फ्रूट कलर नाखते है, यहाँ पे ऐसे ही पकाते है। और ये घी तो देखो कितना घी मतलब दिख रहा है, मतलब शुद्ध घी है। शुद्ध घी है और प्योर दूध से बना। और ये कितना किलो होगा, ये अभी कितना किलो निकला है? ये भी 12 किलो बनेगा। 40 लीटर दूध नापते है। 40 लीटर दूध में 12 किलो समथिंग ये क्वांटिटी होती है। अच्छा, 40 लीटर दूध का 12.5 किलो क्वांटिटी। मेरा नाम यश व्यास, मैं तीसरी पीढ़ी हूँ इस शॉप में। और हमारा मावा सब अलग वाले मजदूर लोग सब खाते भी है और यूपी बिहार झारखंड सब ले जाते भी है। यहाँ के पटेल लोग जो हैं, स्थित पटेल लोग यूएसए टोरंटो कनाडा सब अलग अलग विदेश तक जाता भी है हमारा मावा। और मैं तीसरी बेटी हूँ और इस शॉप को हम आगे भी बढ़ाने वाले हैं, सिटी तक भी ले जाने वाले हैं। थोड़े मेरे पिताजी जिसने भगवती माँ वाला की स्थापना की थी। सन 1979 में हमने एक लारी से यहाँ की मिशन बाबे की बनाने की शुरुआत की। धीरे धीरे करते हुए हम एक छोटे से कैबिन तक पहुँचे जहाँ हमने अपना स्थापना किया 1981 में।
सन 1981 में हमने पहली बार दुकान की स्थापना की और तब से हम यहीं पे हैं। जो मीठे मावे की कारकर्दगी हमारी 40 साल पुरानी है। सबसे पहले यहाँ त्रापज में मीठा मावा बनाती थी एक औरत दी जो मोंगी माँ के नाम से फेमस थी। उसने कई दफ़ा भावनगर स्टेट से यहाँ मावा खाने के लिए वो लोग आते थे। खुद महाराज साहब भी यहाँ मावा खाने के लिए आते थे। उसके बोली बहुत मीठी थी इसलिए उसका नाम मोंगी माँ था। इसके लिए यहाँ का नाम पड़ गया मीठा मावा। यूँ तो मावा ही हर कोई बोलते हैं पर मीठा मावा सिर्फ त्रापज में बोला जाता है कि त्रापज का ही मीठा मावा चाहिए क्योंकि मोंगी माँ की बोली बहुत मीठी थी। और तब से लंबी कारकर्दगी हमारी है 1981 से लेकर 2021 तक 40 साल से हम यहाँ मीठा मावा बना रहे हैं। और फूड सेफ्टी वाले हमारे पास 5 सैंपल ले गए थे जिसमें हम सक्षम रहे, पूरे हमको वो मिले, ग्रेड मिले। और त्रापज में सबसे पुरानी शॉप हमारी है। यूँ तो त्रापज में अभी कई लोग मीठा मावा बनाते हैं पर पुरानी शॉप सबसे हमारी है और हम यहाँ के सबसे पुराने व्यापारी हैं।